शिमला बस स्टैंड में बीते दिनों बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने बस स्टैंड में कई वर्षों से रेहड़ी फड़ी का काम कर रहे तहबाजारियों पर पाबंदी लगा दी। इस फैसले को लेकर आज तहबाजारियों ने सीटू के बैनर तले एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ एमडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तहबाजारियों को उजाड़ने की बजाय बसाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर एचआरटीसी प्रबंधन ने शीघ्र उन्हें उठाए गए सामान को वापस नहीं लौटाया और उन्हें यहां बैठने नहीं दिया तो सीटू 72 घंटे तक महाघेराव और उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने क्या कहा, सुनिए। सरकार ने मई के महीने में कानून बनाया जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बोला गया। यह स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की जो धारा 1 से लेकर धारा 19 स्पष्ट रूप से इस बात का पूरा व्याख्यान करती है कि पूरे देश के अंदर जो रेडी फड़ी तहबाजारी का काम करने वाले लोग हैं, इनको बसाया जाना चाहिए, इनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। इस कानून का जो सार है वो ये है कि तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है बल्कि बसाया जाएगा। इस कानून के अंदर यहां तक कहा गया है कि तहबाजारी के संचालन के लिए टाउन वेंडिंग कमेटियां बनेंगी, जो आपको मालूम है पिछले साल चुनाव हुए शिमला के अंदर टीवीसी के, जिसमें लोग चुनकर आए। और ये भी कहा गया कानून के अंदर कि कोई भी कार्यवाही जो तहबाजारी के संदर्भ में होनी है वो टीवीसी ही कर सकती है, दूसरे को किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं शिमला के अंदर कि जहां आज हम आए हैं एमडी एचआरटीसी के कार्यालय में, हम देखते हैं कि यहां पर लगातार जो है नियम की कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले यहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ ओल्ड बस स्टैंड के अंदर, जहां एक बस के नीचे जो है महिला आ गई और उनकी मौत हो गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया था। हम नहीं कहते कि जिस ड्राइवर से वो हादसा हुआ उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन एक हादसा हुआ जिसमें एक बस ड्राइवर की भूमिका रही और एक जिनकी जान गई उनकी जो है वो वाकया उनके बीच में था। लेकिन उसकी सजा किसको मिली? सजा उसकी मिली जो यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड में 40 साल से जो रेडी फड़ी तहबाजारी का कार्य करते हैं, 40 साल से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। 30 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बकायदा इनको एक चिट्ठी लिखी, आदेश दिया 1990 में कि जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं लोग पिछले काफी टाइम से, इनको हटाया ना जाए। ये आदेश इनके फाइलों में भी संलग्न है, उस वक्त के एचआरटीसी जो ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर थे उनका। उसके बाद जो है जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना 2014 में, इन सभी के जो है स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट बने कानूनी रूप में, जो लोकसभा और राज्यसभा ने संसद ने जो कानून पारित किया था, आई कार्ड बने। इसी दौरान जो है कमिश्नर ने एक सर्टिफिकेट जारी किया इनको कि ये सारे जो है कानूनी रूप से काम करने वाले लोग हैं, इनको जो है यहाँ पर इनका सर्वे किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है उसका गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानून बना, संसद ने कानून बनाया, कानून में साफ लिखा है कोई उजाड़ा नहीं जा सकता। धारा 2, 3, 4, धारा 19, 12, 8 ये धाराएं स्पष्ट रूप से कहती हैं किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।